अस्सलाम वालेकुम जी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक बहरिया लाहौर की तरफ से इम्पोज किए जाने वाले पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस के बारे में है। बेसिकली आपको आइडिया है, टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं, जिस तरह की भी एक्सटेंशंस होती हैं या इससे जुड़ी जो भी खबरें होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि आपको टाइम न्यूज़ पे अपडेट किया जाए। आज इसी हवाले से एक अच्छी अपडेट है, और जैसा कि आपको आइडिया है कि 4 सितंबर की डेट दी गई थी चार्जेस को जमा करवाने के लिए, स्पेसिफिकली लोकल क्लाइंट्स के लिए जो ओवरसीज़ नहीं हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, जो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं इनसाइड द कंट्री, तो उनके लिए जो डेट है 4 सितंबर की थी। जबकि रिसेंटली एक एक्सटेंशन दी गई थी 30 नवंबर तक की, और उसको स्पेसिफाइड किया गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए है। इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज हमें क्लाइंट्स की रिसीव हो रही थी कि जो लोकल क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह की रिलैक्सेशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उसमें क्या न्यूज़ है। तो 4 सितंबर गुजर जाने के बाद इस पर कुछ 2-4-5 दिन तक किसी तरह की कोई अपडेट नहीं आई, और काफ़ी मतलब शिद्दत से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अगर अराउंड 3 मंथ्स का टाइम जो है ओवरसीज़ क्लाइंट्स को दिया गया है तो लोकल क्लाइंट्स के लिए जो 4 सितंबर की डेट थी उसमें भी लाजमी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए या एक्सपेक्ट की जा रही थी। अच्छी न्यूज़ इस हवाले से ये है कि अगर आप लोकल क्लाइंट हैं, प्लॉट होल्डर हैं बैरिया के, और अगर आप ओवरसीज़ नहीं भी हैं, तो आपकी डेट को 4 सितंबर से एक्सटेंड करके 2 अक्टूबर तक जो है इन्हेंस कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब आप जो ये चार्जेस हैं वो 2 अक्टूबर 2020 तक जो हैं वो जमा करवा सकते हैं, और उससे पहले ना तो किसी किस्म की कोई कैंसिलेशन और ना कोई फ़ाइन, ना नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस, कोई इस तरह की चीज़ आप पे इम्पोज की जाएगी। और इस हवाले से ये अच्छी न्यूज़ है, मतलब काफ़ी लोग इसमें वेट कर रहे थे कि क्या होगा, मतलब हमें जमा करवाने चाहिए नहीं करवाने चाहिए। और बहरिया की तरफ से पहले तो बेशुमार रिलैक्सेशंस आती रही हैं, 3 से 4 दफ़ा एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि पहले ये डेट एक्सटेंड हो चुकी हुई है, और अभी भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें मज़ीद एक्सटेंशन आए और कोई रिलैक्सेशन जो है बैरियर की तरफ से दी जाए। ओवरसीज़ क्लाइंट्स को ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि 30 नवंबर 2020 तक टाइम दिया गया है, और अभी मतलब इसका नोटिस जो है ये भी स्क्रीन पे हमने शेयर किया, आप इसको देख सकते हैं। इस पर ये चीज़ क्लियरली मैंशनड है कि पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस के लिए आपको 4 सितंबर 2020 तक की आखिरी तारीख दी गई थी, मगर आपने गैर मुतवक्का मौसम और अशूरा की मसरूफियात की वजह से अभी तक अपनी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा नहीं लिया। एक बार फिर बहरिया टाउन ने मेंबर्स की आसानी के लिए कब्ज़ा की आखिरी तारीख 2 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दी है, और मौजूद मेंबरान को खुशखबरी दी जाती है कि जो मेंबरान अपनी प्रॉपर्टी का फ़ौरी कब्ज़ा लेंगे, इन पर 1 साल के लिए मेंटेनेंस चार्जेस लागू नहीं होंगे। तो इस सिनेरियो में ऐसा है कि अगर आप प्लॉट होल्डर हैं और बहरिया में आपका प्लॉट है बहरिया लाहौर के किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपके पास अब जो टाइम है वो 2 अक्टूबर 2020 तक है, और अगर आप प्लॉट होल्डर हैं और आप ओवरसीज़ भी हैं तो ये टाइम 30 नवंबर 2020 तक का है। और मज़ीद इस हवाले से ये है कि क्लाइंट्स इसमें मज़ीद रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, वो इसको इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में करवाना चाह रहे हैं, वो इसमें मज़ीद एक्सटेंशन चाह रहे हैं कि उन्हें एटलीस्ट 1 साल तक का टाइम दिया जाए या इससे भी ज़्यादा टाइम दिया जाए। ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं उनका ये कहना है कि मतलब जिस तरह से इसका पहले सिनेरियो था कि इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब आपने घर को बनाना हो उसी टाइम पर ये इम्पोज किए जाएँ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मुतालबा है कि इसको प्रीवियस स्टेज पर जो है वो कर दिया जाए, और जब आपने पोजेशन या यूटिलिटी चार्जेस जमा करवाने हैं वो सिर्फ उस टाइम पे करवाएं कि जब आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। मज़ीद इसके हवाले से ये है कि सजेशंस की अगर बात करें, प्रीवियस वीडियोस में जितने भी हमारे पोजेशन एंड यूटिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनमें ये चीज़ हमने मेंशन की कि अगर आपका एक प्लॉट है और आपने उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है और नियर फ्यूचर में करनी है, तो आपके लिए ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपको ये चार्जेस को जमा करवा देना चाहिए, क्योंकि आपने 6 माह 1 साल बाद या 2-3 माह के बाद अगर घर बनाना है तो उस टाइम तो नॉर्मली रूटीन में आपको पोजेशन, यूटिलिटी और मैप के चार्जेस जमा करवाने होते हैं। तो अभी अगर आप मतलब जमा करवा देते हैं तो उसमें कोई इतने बड़े हर्ज वाली चीज़ नहीं है। वक्ती तौर पे इशू ज़रूर होता है इतनी पेमेंट, बेशक एक प्लॉट के लिए भी अरेंज करना है तो सब लोग उसके लिए नॉर्मली प्रिपेयर भी नहीं होते, लेकिन अगर आप करवा सकते हैं तो आप उसको करवा दें। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिए हुए हैं और आपके 1 से ज़्यादा प्लॉट्स हैं, 3, 4, 5 या 8 से 10 प्लॉट्स हैं आपके, तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये पहले भी इशू था, आपके लिए ये अब भी इशू है कि आपने मतलब उनमें से एक भी प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी और स्टिल आपको इम्पोज किए जा रहे हैं कि पोजेशन भी आप पे करें और यूटिलिटी चार्जेस भी पे करें, जिससे आपका एक्सपेंस भी इंक्रीज़ होगा और मज़ीद ये कि आप जो हैं प्राइसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा फिल वक्त हाई नहीं है, मतलब नॉर्मल सी स्टेज पे हैं प्राइसेस, जितना इंक्रीज़ आना चाहिए करंट मार्केट कंडीशन की वजह से, रियल इस्टेट सेक्टर पर जो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट इशूज़ आते रहे उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी इतनी हाई नहीं है। तो इस वजह से
काफ़ी ज़्यादा लोग हेजिटेट कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि बहरिया की तरफ से मज़ीद कोई ऐसी रिलैक्सेशन, एक या दो साल का एक रीज़नेबल टाइम पीरियड, या फिर उसको इंस्टॉलमेंट्स में करवाने के लिए जो है कोई ऐसी रिलैक्सेशन दी जाए। काफ़ी हमारे क्लाइंट्स जो हैं जो बहरिया में डायरेक्टली जाकर अपने जो मसला है, अपने जो मसले मसाइल हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस वहाँ पर सबमिट करवा रहे हैं और वो टाइम के लिए कह रहे हैं कि हमें 6 माह का टाइम दिया जाए, 1 साल का टाइम दिया जाए और इतने टाइम में हम कोशिश करेंगे कि हम ये चार्जेस लाजमी जमा करवाएं। तो ये चीज़ वेरी करती है डिफरेंट क्लाइंट्स के केस में, डिफरेंट ये वेरी करती है कि कौन किस पोजीशन में और कोई चार्जेस जमा करवा सकता है या नहीं करवा सकता। मज़ीद इस हवाले से हम ये चाहेंगे कि मज़ीद बेहतर पॉलिसीज़ आएँ, मज़ीद रिलैक्सेशन आए इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स के लिए आसानी है तो डेफ़िनेटली रियल इस्टेट सेक्टर के लिए आसानी है, डिवेलपर के लिए आसानी है और सबके लिए एक विन विन सिचुएशन हो तो आपको आइडिया है कि एक बेहतर सिचुएशन ओवरऑल रियल इस्टेट सेक्टर के लिए पाकिस्तान में जो है वो पैदा होती है। मज़ीद इसके हवाले से ये है कि सजेशंस की अगर बात करें तो अगर आपका प्लॉट बहरिया के लाहौर के किसी भी प्रोजेक्ट में मौजूद है और आप उसके चार्जेस को, पोजेशन चार्जेस और यूटिलिटी चार्जेस को जमा करवाने या ना करवाने के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आपको सजेशंस आप चाह रहे हैं, आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके प्रोसीजर के बारे में जानना चाह रहे हैं, या आपके कोई प्लॉट्स हैं बाइंग सेलिंग के हवाले से किसी किस्म की कोई भी आपकी इंक्वायरी है बहरिया के किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर भी शो हो रहा है और इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है www.rupn.com इस पर भी आपको मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम अवेलेबल होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।